हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन टिक बोन मिल फार्म कैसे बनाना है, जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन में 100% वर्क करे। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारी पहले वाली वीडियो है उसके अंदर जो वन टिक बोन मिल फार्म है वो भाई वर्क नहीं कर रहा है। एंड भाई बहुत सारे लोग भाई मुझे आगे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो आज की स्टूडियो में मैं आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देने वाला हूँ एंड वन टिक बोन मिल फार्म बना के दिखाने वाला हूँ। एंड भाई थोड़ा बहुत डिफरेंट डिजाइन है तो थोड़ा ध्यान से जरूर देखना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों को ले लेनी होगी यहाँ पे एक चेस्ट, 6 हॉपर, 2 पिस्टन, 2 स्टिकी पिस्टन, 1 रेस्टोन रिपीटर, 3 रेस्टोन टॉर्चेस एंड 7 रेस्टोन, एंड उसके अलावा 1 लीवर, 4 सैंड, 2 ट्रैपडोर्स, 4 ग्लासेस, 2 कंपोस्टर, 1 वाटर बकेट, एंड उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स ले लेने। मैं यहाँ पे स्मूथ स्टोन का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रही है वो है भाई एक चंक, एंड चंक को कैसे डिफाइन करना है वो भाई मैं वीडियो के एंड में जरूर बता दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा जो भी फार्म बनेगा वो फार्म भाई ये चंक के जो बॉर्डर है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। अगर वो उसके ऊपर हुआ तो भाई फार्म वर्क नहीं करने वाला, तो भाई इसका खास ख्याल रखना। तो दोस्तों ये फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्मूथ स्टोन को ले लेना है एंड यहाँ पर आप लोगों को टी शेप में ब्लॉक्स को लगा देने हैं, एंड उसके बाद जो सेंटर वाला ब्लॉक है उसको यहाँ पे तोड़ देना है। देन आप लोगों को इधर आना है, इधर आप लोगों को लेकर लीवर को लगा देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे रेस्टोन टॉर्च लेनी है, रेस्टोन टॉर्च यहाँ पे नीचे की ओर लगा देनी है, एंड फिर रेस्टोन रिपीटर को ऐसे लगाना है कि जिससे उसका जो फेस है वो इस तरफ रहे। एंड लास्टली आप लोगों को यहाँ पे रेस्टोन लेनी है और रेस्टोन को यहाँ पे लगा देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ये लगाओगे ऐसे ही जो हमारी रेस्टोन क्लॉक है वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वर्क करना स्टार्ट कर रही है तो यहाँ पे हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे फिर से स्मूथ स्टोन ले लेना है एंड यहाँ पे पीछे की ओर आप लोगों को 3 ब्लॉक्स को ऐसे लगा देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेनी है रेडस्टोन, एंड जो रेडस्टोन है वो हमारे जो ये 3 ब्लॉक्स है इनके ऊपर लगा देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सेम वैसे ही। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ले लेने होंगे स्टिकी पिस्टन, एंड स्टिकी पिस्टन को आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है। अगर आप लोगों को सही से लगाना नहीं आता तो आप नीचे एक ब्लॉक लगा के भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही जो स्टिकी पिस्टन लगाओगे वैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। नाउ अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स ले लेने हैं एंड यहाँ पर इसके आगे 2 ब्लॉक्स को लगा देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेनी है सैंड, एंड उसको यहाँ पे जो हमारे स्टिकी पिस्टन है उनके आगे लगा देना है। देन आप लोगों को जो हमारे स्टिकी पिस्टन है उनके ऊपर भी यहाँ पे लगा देना है, लेकिन ध्यान रखना कि भाई जो हमारी सैंड है वो भाई स्टिकी पिस्टन के ऊपर लगे, नीचे नहीं। तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे जो हमारे ये 4 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 4 ब्लॉक्स को आप लोगों को यहाँ पे तोड़ देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेनी है चेस्ट, एंड यहाँ पे आप लोगों को डबल चेस्ट को लगा देना है, एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बैठ कर इसके ऊपर हॉपर को लगा देना है। एंड ध्यान रखना जो हमारे हॉपर वो भाई चेस्ट से सही से कनेक्ट हो जाए। अब आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है कंपोस्टर, एंड आप लोगों को यहाँ पे बैठ कर जो हमारे हॉपर है उनके ऊपर यहाँ पे जो हमारा कंपोस्टर है उसको यहाँ पे लगा देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की ओर आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को हॉपर को ले लेना है, और जो हमारे कंपोस्टर है उनके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे बैठ कर हॉपर को लगा देना है। देन आपको यहाँ पे ऊपर की साइड आना है एंड यहाँ पे 2 हॉपर और लगा देने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे पीछे वाले हॉपर है वो आगे वाले हॉपर से कनेक्टेड होने चाहिए और जो हमारा आगे वाला हॉपर है वो कंपोस्टर से कनेक्टेड होना चाहिए। सो इसी के साथ यहाँ पे जो हमारी कलेक्टिंग सिस्टम है वो यहाँ पे पूरी की पूरी रेडी हो जाती है। तो दोस्तों अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्मूथ स्टोन को ले लेना है एंड यहाँ पर आके आप लोगों को 1 ब्लॉक को यहाँ पे लगाना है। देन इस तरफ आ जाना है एंड इधर आप लोगों को यहाँ पे एक वॉल को क्रिएट कर लेना है जिसकी हाइट यहाँ पे 3 होने वाली है। तो जल्दी से आप एक वॉल को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को 3 ब्लॉक्स को इस तरफ लगा देना है। देन 3 ब्लॉक्स को आप लोगों को इधर लगा देना है एंड यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पे जॉइंट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा हॉपर है उधर आके आप लोगों को बैठ जाना है एंड इधर आप लोगों को ग्लास पेन ले लेना है एंड यहाँ पर आप लोगों को 4 ग्लास पेन को ऐसे लगा देना है। तो यहाँ पे ग्लास पेन लगाने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे कैल्प होंगे वो भाई यहाँ पे बाहर भी ना गिरे एंड यहाँ पे हॉपर के अंदर कलेक्ट हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लास पेन का यूज किया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे पीछे की ओर आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को इस ब्लॉक को तोड़ देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे रेस्टोन टॉर्च को लेना है, रेस्टोन टॉर्च को यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लगाओगे ये यहाँ पर बंद हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल ब्लॉक है उसको लेना है, उसको यहाँ पे लगा देना है। देन उसके ऊपर आपको फिर से एक रेस्टोन टॉर्च को लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी सैंड लग गई है अब आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्मूथ स्टोन लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लगा रहा हूँ सेम टू सेम आप लोगों को भी वैसे यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देने हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेने हैं पिस्टन्स, एंड पिस्टन्स को आप लोगों को यहाँ पे लगा देने हैं जिससे उनका जो फेस है यहाँ पे आगे की साइड रहे। नाउ अब हमें यहाँ पे जो हमारे पिस्टन है उनके यहाँ पे पीछे की ओर आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को 2 ब्लॉक्स को लगा देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे रेडस्टोन लेनी है एंड यहाँ पे 2 रेडस्टोन को लगा देना है जिसकी वजह से जो हमारे पिस्टन है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। तो फाइनली इतना हो जाने के बाद अब हमारे जो पिस्टन है उसके आसपास आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स को लगा देना है।
तो दोस्तों अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है ट्रैपडोर्स, यानी यहाँ पर आप लोगों को दो ट्रैपडोर्स को यहाँ पे बैठकर लगा देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे जो हमारे ट्रैपडोर्स है इनको यहाँ पे ओपन कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पीछे की साइड आ जाना एंड इधर आप लोगों को जो रेस्टोरेंट टॉर्च दिखाई दे रही है उसके ऊपर के साइड वाला जो ब्लॉक है उसको आप लोगों को यहाँ पे तोड़ देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है रेस्टोरेंट एंड यहाँ पर आप लोगों को 3 रेस्टोरेंट को ऐसे लगा देना है जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम हमारे यहाँ पे जो लास्ट स्टेप पे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे ले लेनी है वाटर बकेट एंड यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने नीचे सैंड लगी हुई है इधर आप लोगों को वाटर डालना है, यहाँ पे बीच में पिस्टन पे वाटर नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे नीचे दोनों सैंड है उसके ऊपर हमें पानी डाल देना है दोनों की दोनों साइड एंड देन हमें क्या करना है हमारे ऊपर जो ट्रैपडोर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे पानी को डाल देना है एंड यहाँ पे जो हमारा बीच में जो पिस्टन वाला एरिया होगा उधर आप लोगों को पानी नहीं डालना, इसका खास ख्याल रखना। तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो हमारी कैल्प है उसको यहाँ पे ले लेना है एंड यहाँ पे जो हमारी सैंड है उस दोनों की दोनों साइड पर आप लोगों को यहाँ पे कैल्प को लगा देना है। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा फार्म है वो भाई यहाँ पे रेडी हो चुका है एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे वाटर है वो भाई यहाँ पे नीचे है एंड जो पिस्टन है उसके ऊपर यहाँ पे वाटर नहीं है एंड यहाँ पे इसको चालू करते के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी कैल्प है वो भाई यहाँ पे टूट नहीं रही, यहाँ पे भाई वो एग्जैक्टली एंड परफेक्टली वर्क कर रही है जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। सारी की सारी जो कैल्प है वो भाई यहाँ पे हमारे जो हॉपर है उसके अंदर यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा हॉपर है उसके अंदर भी यहाँ पे सारी की सारी कैल्प आ रही है और जा रही है एंड उसके अलावा आप लोग यहाँ पे चेस्ट में भी देख सकते हो हमारा जो बोन मील है वो भाई यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है एंड भाई इसकी एफिशिएंसी भाई बहुत ही तगड़ी होने वाली है, भाई बहुत ही ऑसम फॉर्म है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को जो वो चंक है वो कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है उससे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे चंक बेस करके ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को एप्स में चले जाना है एंड इधर जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आप लोगों को बायोम दिख जाएगी, बायोम पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जा रहा है। तो इधर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैप है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड आ जाना है एंड इधर आप लोग बेडरॉक सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी वर्जन हो 1.19 हो तो 1.19 सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना जो सीड है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी लोकेशन डालनी है, मतलब आप जहाँ पे भी बनाना चाहते हो उसके आसपास की जो भी कोई एक लोकेशन है कोऑर्डिनेट्स है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इसी कोऑर्डिनेट्स के आसपास मैंने डाला हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है एंड यहाँ पे ये जो एरिया है जो रेड डॉट है वो मैं हूँ एंड यहाँ पे ये जो छोटा सा चंक दिखाई दे रहा है उधर ही भाई मैंने अपना जो फार्म है भाई उसको यहाँ पे बनाया हुआ है। आप यहाँ पे किसी भी एक चंक में बना सकते हो, बस ध्यान रखना है आप लोगों को बॉर्डर का एंड बॉर्डर आप लोगों को यहाँ पे नीचे की ओर दिखाई दे रही है जैसे कि मैंने यहाँ पे जूम इन करके दिखा दिया है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को चंक फाइंड कर लेना है। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आज का लाइक हम रखते हैं 300 लाइक्स का। उसके अलावा भाई चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना एंड भाई साहब अब ऐसे ही भाई यहाँ पे एक से एक वीडियो आने वाली है एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे सोचा है कि भाई मैं जावा के अंदर एक हार्डकोर सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए भाई मैं एक पोल डाल दूंगा तो आप लोग उस पोल में भी जरूर बता देना एंड उसमें भी कमेंट्स करके बता देना मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।